गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि सर हमारा 2020, जी हाँ 2020 कैसा होने वाला है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना दोस्तों आज वीडियो बनाई जाए इसी चीज़ के ऊपर। मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं कि सर हमारा ये साल कैसा होगा, क्या इसमें मेरी शादी होगी, क्या मैं इस साल में अब्रॉड जाऊँगा, क्या मेरे यहाँ चिल्ड्रन हो जाएंगे इस साल के अंदर। तो मैंने कहा क्यों नहीं एक बार सबको एजुकेट किया जाए इस चीज़ के ऊपर कि भाई कैसे आप इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत मज़ेदार वीडियो दोस्तों बनने वाला है, आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो अब आते हैं कंटेंट के ऊपर कि क्या है इस कंटेंट के अंदर। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि भाई 2020 क्या आपके लिए, मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, क्या सबके लिए होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण लेके पहले समझाता हूँ कि हमें इसको कैलकुलेट करना कैसे है। हिंदुस्तान की दोस्तों डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947। अब हिंदुस्तान का जो मूलांक है वो आएगा 1 और 5 को जोड़ के 6, तो हिंदुस्तान का जो मूलांक है वो है 6। अगर हम 1 + 5 + 8 + 1 + 9 + 4 + 7 को करते हैं तो इसका टोटल आता है दोस्तों 8 नंबर के ऊपर। तो दैट मीन्स इंडिया का जो मूलांक और भाग्यांक है वो है 6 और 8 का। जी हाँ, ये बहुत अच्छे मित्र हैं। अगर हिंदुस्तान को जब देने भी आता है 8 नंबर तो बहुत कुछ देता है, छप्पर फाड़ के देता है। और हिंदुस्तान का चूंकि ड्राइवर 6 है तो वो भी हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ फेवर कर सकता है। अभी उस पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं कि हिंदुस्तान के नेम की स्पेलिंग को भारत करें या इंडिया ही रहने दे, वो सब बात की बातें हैं। अभी सिर्फ ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के लिए 2020 क्या देने वाला है या क्या प्राप्तियां नहीं देने वाला है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे दोस्तों? 1 + 5 + 8 + 2020, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 और 5 को जोड़ा तो 6 आया, 6 में 8 जोड़ा तो 5 आया, 2020 जोड़ा तो 9 आया। तो अब हिंदुस्तान का जो पर्सनल ईयर है वो है नंबर 9 के ऊपर 2020। अब क्या ये क्या बेनिफिट देगा या ये लॉसेस देगा वो समझ लेते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का ड्राइवर जो है वो है 6 और हिंदुस्तान कंडक्टर है 8, तो 6 को अगर हम उल्टा करते हैं तो ये बन जाता है 9। तो कहीं ना कहीं पे हिंदुस्तान के लिए आने वाले टाइम में कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी हो सकती हैं। 8 नंबर जो है शनि, जो शनि का अंक है, ना तो ये मंगल का दोस्त है ना ये मंगल का दुश्मन है। मंगल अपने आप में इतनी स्ट्रांग चीज़ है कि 1 से लेकर 8 नंबर एक तरफ और अकेला 9वां नंबर एक तरफ, वो अगर देने पे आए तो छप्पर फाड़ के देता है, अगर वो लेने आए तो दोस्तों बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता। तो आप पहले समझे हो क्या सकता है। चूंकि 9 नंबर का अंक है, ये अंक क्या कहता है? अननेचुरल कलामिटीज। आप सोच नहीं सकते हैं, हो सकता है हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, हो सकता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पर अननेचुरल अटैक्स हो जाएँ। तो अभी मैं इसके बारे में ये कन्फर्म नहीं कर सकता क्या हो सकता है, हम सिर्फ एजम्पशन पे चलेंगे सारा का सारा कि बुरे से बुरा भी हो सकता है। हाँ, अगर हिंदुस्तान की डेस्टिनी के अंदर कुछ अच्छे लोग बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं, अपने कर्मों को सुधार रहे हैं, हो सकता है उनकी वजह से एक ऐसा चीज़ हमारे पकड़ में आ जाए कि भैया वहाँ से बहुत बड़ा हमें आशीर्वाद मिल जाए। क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है कि 9 नंबर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, 9 नंबर जब लेता है तो छप्पर फाड़ के लेता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है इसको और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। रणवीर कपूर की डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर, तो आप उसको कैलकुलेट करके देखते हैं, 2 + 8 + 9 + 2020। तो रणवीर कपूर का जो पर्सनल आने वाला है 5 आने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि शायद उनकी दिसंबर में जनवरी में शादी के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर जो है छप्पर फाड़ के देता है। किसी का भी दोस्तों जिसका 5 नंबर आने वाला है, या वो कैलकुलेशन में बताएंगे आपको क्या उसे सपोर्ट मिल सकता है, पर चूंकि अभी वीडियो हम बना रहे हैं कैलकुलेशन की पार्ट का, तो 5 नंबर अपने आप में सबसे बड़ा सपोर्टिव नंबर है। वो अगर देगा तो बहुत पॉजिटिव देगा, उसमें लेने की शक्ति नहीं है, वो देगा देगा और बहुत सपोर्टिव ढंग से देगा। तो आज का दोस्तों इसको हम समझते हैं। अब ये है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने दोस्तों में इसको फैलाएं, ताकि इसको हम और बेटरमेंट के लिए समझ सकें भाई क्या हमें कमी रह गई है या क्या क्या चीज़ों को हम चेंज करके हम इस वीडियो में और अच्छा लेके आ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय गुरु जी।